महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर अजीत पवार गुट की एनसीपी चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। एनसीपी की ओर से नितिन पाटिल नामांकन करेंगे। बीजेपी ने धैर्यशील पाटिल के नाम की घोषणा करते हुए दूसरी सीट अजीत पवार गुट को दे दी थी। धैर्यशील और नितिन जब नामांकन दाखिल करेंगे तो उस वक्त डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहेंगे। धैर्यशील पाटिल पहले शेतकरी कामगार पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर अजीत पवार गुट की एनसीपी चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। एनसीपी की ओर से नितिन पाटिल नामांकन करेंगे। बीजेपी ने धैर्यशील पाटिल के नाम की घोषणा करते हुए दूसरी सीट अजीत पवार गुट को दे दी थी। धैर्यशील और नितिन जब नामांकन दाखिल करेंगे तो उस वक्त डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहेंगे। धैर्यशील पाटिल पहले शेतकरी कामगार पार्टी के बड़े नेता रहे हैं।